दोस्तों, अगर आपने भी बैंक से लोन लिया हुआ, किसी भी बैंक से, चाहे प्राइवेट या सरकारी बैंक से, तो आपके लोन की ईएमआई महंगी होगी या नहीं, इसको लेकर आरबीआई की मीटिंग का फैसला फाइनली आ चुका है। और ऐसे में आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का फैसला क्या रहा, खुशखबरी आई या एक झटका आया, आइए देखते हैं छोटे से वीडियो में लेटेस्ट न्यूज अपडेट। दरअसल दोस्तों, आरबीआई की जब भी ये एमपीसी मीटिंग होती ना, तो उसमें कई बार रेपो रेट में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की जाती है और कई बार रेपो रेट में कटौती की जाती है, राइट। तो ऐसे में अगर आरबीआई की मीटिंग में रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाती है, तो उस सिचुएशन में आपका भी बैंक से लोन लिया हुआ महंगा हो जाता है, लोन की रेटें बढ़ जाती है, जिसके चलते आपकी हर महीने की ईएमआई भी बढ़ जाती है। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है, कमी करता मतलब, तो आपका बैंक भी आपके लोन की रेटों में कटौती कर देता, जिसके चलते आपके लोन की ईएमआई थोड़ी कम हो जाती है और हर महीने आपको थोड़ी लोन की किस्त कम चुकानी पड़ती है ना। तो मेन बेसिकली ये फंडा जो डिपेंड है, वो सारा रेपो रेट का ही कनेक्शन है। रेपो रेट और ईएमआई के बीच का कनेक्शन आप समझ गए होंगे। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को लोन मिलता है। जैसे बैंक आपको लोन देता है एक इंटरेस्ट रेट पर, ब्याज दर पर, तो बैंक भी आरबीआई से, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनसे लोन लेते हैं एक निश्चित दर पर, एक ब्याज दर पर, और उस ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाएगा तो आरबीआई से बैंकों को लोन मिलना महंगा हो जाएगा, तो वो अपनी जेब से पैसे थोड़े ना भरेंगे, वो अपने ग्राहकों से लोन की रेटें महंगी कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, एटलीस्ट महंगाई का या आरबीआई की रेपो रेट बढ़ाने का नुकसान जो है एंड यूजर, उपभोक्ता को ही चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर आज जो आरबीआई की मीटिंग हुई रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में, उसमें आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। देखिए आप, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। लगातार तीसरी बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है आरबीआई ने। हालांकि एक बड़ा झटका लगा है, महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.4% कर दिया, और इससे आम आदमी को क्या नुकसान होने वाला, देखिए जरा समझिए आप। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई का अनुमान पहले 5.1% था, उसको बढ़ाकर 5.4% कर दिया। आजकल आपको बताऊंगा, हमारे देश में टमाटर वगैरह सब्जियां काफी ज्यादा महंगी चल रही है, अदरक टमाटर धनिया हरी मिर्च वगैरह भी है ना। तो यही चीज होती है महंगाई, जरूरत से ज्यादा दामों पर अगर कोई चीज मिलती है। तो आरबीआई का कहना कि ये जो महंगाई का अनुमान है 5.1 से बढ़ाकर 5.4 कर दिया। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण जुलाई और अगस्त महीने में महंगाई बढ़ने की आशंका है, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। ये देख सकते हैं अब आरबीआई ने FY24 में रियल जीडीपी ग्रोथ Q1, Q2, Q3, Q4 के लिए क्या क्या रखी। मई 2022 के बाद 2.5% तक ब्याज दरें भी बढ़ी हैं, और महंगाई का अनुमान भी मैंने आपको बता दिया है ना। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है, जवाब कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।